सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, हमारे सामने है दी ऑल न्यू यामाहा R15 V4 2023 मॉडल। सो गाइस, ये जो है 13 तारीख को लॉन्च होने वाली, लेकिन सारे शोरूम्स में लगभग पहुंच चुकी है गाड़ी। एंड इसमें जो आप लोगों को क्या कुछ न्यू चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसी के बारे में हम लोग फुल रिव्यू करने वाले हैं कि आप लोगों को इसका जो प्राइसिंग है क्या कुछ रहने वाला है, एंड जो इसमें लुक्स जो है क्या कुछ चेंज किया गया है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जो है दबा दीजिए। सो गाइस, अगर हम लोग बात कर लें यामाहा R15 V4, जो कि मेटालिक ब्लैक कलर में आप लोग देख सकते हो, इसका जो लुक्स है काफ़ी अमेजिंग दिखाई दे रहा है। आप लोगों को यहाँ पे न्यू स्टिकरिंग, न्यू ग्राफिक्स के साथ ये गाड़ी लॉन्च किया गया है। एंड अगर हम लोग स्टिकरिंग की बात करें, फ्रंट में जो है आप लोगों को यहाँ पे गोल्डन कलर का R15 देखने को मिलेगा, मैट ब्लैक के साथ एंड ग्लॉसी ब्लैक के साथ, एंड गोल्डन कलर में कुछ रैप देखने को मिलेगा। साइड में जो है आप लोगों को गोल्डन कलर में R15 देखने को मिलेगा, जिसमें कि R15 V4 version 4.0 लिखा गया है। एंड अगर हम लोग पीछे की बात करें, तो पीछे जो है आप लोगों को VVA का स्टिकरिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है आप लोगों को एलो व्हील्स जो है वो भी गोल्डन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया, वही सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप लोगों को मिलता है जैसे मिलता था। TFT डिस्प्ले यहाँ पे नहीं दिया गया, LED इंडिकेटर्स भी अभी तक चेंज नहीं किया गया, वही नॉर्मल हैलोजन इंडिकेटर्स ही दे रहे हैं ये लोग। सो पीछे का जो टायर अगर हम लोग बात करें, 140 सेक्शन का यहाँ पे टायर देखने को मिलेगा। एंड एग्जॉस्ट जो है उसका एग्जॉस्ट जो मफलर है वहाँ पे आप लोगों को सेम ही देखने को मिलेगा। सो आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताओ कि ये गाड़ी आप लोगों को कलर वाइज कितनी अच्छी लगती है। तो गाड़ी में अगर हम लोग बात करें इंजन की, तो 155 cc के इंजन में ये गाड़ी आती है। इंजन में कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ BS7 इंजन आप लोगों को मिलेगा, जो कि पावर प्रोड्यूस करती है 16.2 BHP एट 10,000 RPM एंड 14.2 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 7,500 RPM। यहाँ पे जो है साइड लुक आप लोग देख सकते हो, फ्रंट में आप लोगों को USD सस्पेंशन भी देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रिप आप लोगों को देती है जो इंडियन रोड्स के हिसाब से। यहाँ पे जो आप लोगों को वाइब्रेंट का जो डिस्क ब्रेक है वो भी देखने को मिलेगा। फ्रंट में आप लोगों को 100 सेक्शन का टायर मिलेगा, एंड फ्रंट का जो लुक है ना वो भाई काफ़ी अमेजिंग है। ये गाइस स्टॉक यार्ड में गाड़ी है, तो काफ़ी धूल मिट्टी अभी पड़ी हुई है, अभी तक ये शोरूम नहीं गई है। तो शोरूम का एक वीडियो जो है आप लोगों को मिल जाएगा रिव्यू में। सो ये अभी मैं स्टॉक यार्ड आया था, तो मैं एक वीडियो बना लिया आप लोगों के लिए। सो गाइस, इसका जो लुक्स है मेरे को काफ़ी पसंद आया है। एंड इसका अगर हम लोग प्राइसिंग की बात करें, लगभग 2,20,000 के आसपास इसका प्राइसिंग बढ़ा है, लगभग 5 से 6 हज़ार इसका प्राइसिंग बढ़ चुका है। क्योंकि भाई इसमें आप लोगों को OBD अभी मिल जा रहा है। OBD मतलब कि अभी आप लोगों को इसमें एक BS7 इंजन, BS6 इंजन हम लोगों को मिलता था, लेकिन इस गाड़ी में अभी आप लोगों को BS7 इंजन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो R15 का बैजिंग एंड नीचे जो आप लोगों को यामाहा का लोगो भी देखने को मिलेगा, एंड टैंक में आप लोगों को न्यू लोगो भी देखने को मिलेगा। USD सस्पेंशन के साथ गाड़ी आती है, लुक्स वाइज 10/10 एंड इंजन वाइज 10/10। क्योंकि भाई यामा जो है ना भाई, इंजन इतना अच्छा बनाते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि 100 साल की गारंटी मैं लेके बोल रहा हूँ कि यामा का इंजन आप लोगों को चला लोगे। सो इसकी जो प्राइसिंग है मैंने बता दिया है, 2,20,000 के आसपास इसका प्राइसिंग रहने वाला है। फ्रंट में आप लोगों को नॉर्मल टायर देखने को मिलेगा, जो कि 100 सेक्शन में मिलेगा। एंड रियर में जो है आप लोगों को 140 सेक्शन का चौड़ी टायर देखने को मिल जाएगा। एंड टायर अगर जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, LED इंडिकेटर्स दे देना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो LED इंडिकेटर्स नहीं दिया गया है। सो गाइस, आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना गाड़ी का कलर आप लोगों को कैसा लगा। एंड वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर नए हो चैनल पे, एंड वीडियो को लाइक करना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।